हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम समझेंगे दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान, और ये ऋषि प्रणाली का मेरी वीडियो का पार्ट 4 है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये चित्र बने हुए हैं उससे आपको को मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये आपको और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने ये कुछ आउटलाइन और कुछ उदाहरण पहले से ही लिख रखी है। सवर, सवरों के बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने सीखा था सवर 3 प्रकार के हैं। पहले स्थान का सवर, दूसरे स्थान का सवर और तीसरे स्थान का सवर, और वे डार्क और हल्के है। हल्के डार्क है ना, लाइट डार्क इंग्लिश में कहो या हिंदी में, तो उन्हीं के बारे में समझेंगे। हमारा पहला स्थान और दूसरा स्थान का हमारा स्थान नहीं बदलता। नहीं समझ में आया? जैसे कि ये दो व्यंजन है, ठीक है, ये है हमारा, जैसे कि ये टै और ये कै। मैंने सॉरी दोस्तों पेन से बना रखे आपको समझाने के लिए, और बड़े बड़े बना रखे हैं, आपको इतने बड़े नहीं बनाने। हम ये समझते हैं क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको आती है तीसरे स्थान के स्वरों को लगाने में, क्योंकि पहला स्थान और दूसरा स्थान निर्धारित रहता है। हमको कन्फ्यूजन होता है तीसरे स्थान का। और एक बात और, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ने ये बीच में रबड़ क्यों रख रखी है, ये हमको डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं ये बता देता हूँ, इसके नीचे लिख रखा मैंने एक शब्द। अगर मैं इस रबड़ को उठा दूँगा तो आगे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये एक सोच लो ब्रह्म स्तर है, ठीक है ना। इसलिए इस शब्द को मैं आपको सबसे आखिर में दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम फोकस करते हैं अपने वीडियो पर। जैसे कि हम पढ़ा था कि तीन स्थान, तो यहाँ पर आके हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये यहाँ से पहला स्थान इसका हो गया, और इसको आगे काटते चले तो 1, 2 और 3, ये जहाँ के बिंदु बन गए, मिलते हैं व्यंजन, तो वहाँ हमारे पहले व्यंजन का तीसरा स्थान और दूसरे व्यंजन का पहला स्थान, ये कन्फ्यूजन हो गया होता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। ऐसे ही इसमें है तीसरा स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा। अब कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, इसका तो यहाँ है तीसरा स्थान सर, और इसका पहला स्थान है, तो फिर कन्फ्यूजन क्या? पर हमने जब उस वीडियो, इससे पहली वाली वीडियो जो स्वर की बनाई थी, तो हमने सिखाया था कि पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अब ये, तो जैसे कि पहला शब्द हो गया तो इससे पहले कोई स्वर आएगा तो वहाँ यहाँ लग जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तो फिर कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन है इस रबड़ के नीचे जो आपको मैं आखिर में दिखाऊंगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, अगर इसके साथ अगर तीसरे स्थान का कोई स्वर आता है तो वो ऊपर लग जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पर आशुलिपि ने इसका एक
अच्छा सा रास्ता निकाल रखा है कि हम उस आशुलिपि ने तीसरे स्थान को यहाँ से उठाकर यहाँ लगा दिया, तो हम इस शब्द सेम है, पहला दूसरा और पहले व्यंजन के साथ तीसरे स्थान का स्वर आता है तो हम उसको अगले वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर लगाते हैं, पर लगाते हैं पहले। अगर हमने यहाँ लगा दिया तो ये दूसरे व्यंजन का स्वर पर आ जाएगा तीसरे स्थान का, ठीक है ना। ऐसे ही इन कन्फ्यूजन को दूर करते हुए अगले व्यंजन पर लगा देते हैं। शब्द व्यंजन कोई भी हो, कुछ उदाहरण बनाए हैं, समझने के लिए कुछ उदाहरण काफी है, ठीक है। ऐसे अब जैसे कि ये एक था टिक्का, हम चाहे तो इसको बना सकते हैं या फिर मैंने कुछ और उदाहरण भी ले रखे हैं, इनको समझते हैं। चलो पहले इनको बनाते हैं फिर उस पर चलते हैं। जैसे कि मूल है, मूल को मतलब तो वही है इनका, टिक लगा लो या मूल, है ना, क्योंकि ये व्यंजन, ये तीसरे स्थान का स्वर और फिर व्यंजन सेम है ना, व्यंजन स्वर व्यंजन, तो हम इनसे समझते हैं। जैसे कि मैं और ले, मैं ये शब्द इसलिए बड़े बड़े बना रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको समझ में आए, नहीं तो आपको इतने बड़े रेखा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे तो ये मैं से पहले पढ़ाया जाएगा, ऊ मल है ना, तो हम यहाँ लगाएंगे ले के तीसरे स्थान पर, ठीक है। और वैसे ही जैसे मूल और मूली, अब ये तो हो गया यहाँ, तो इसके साथ भी ले के साथ भी तीसरे स्थान का स्वर है, तो हम यहाँ इसको कहाँ लगाएंगे, ये इसका पहला दूसरा और ये तीसरा। जिसने अगर इनके स्थानों में कोई कन्फ्यूजन है तो इससे पहले वाली व्यंजन वो स्वर वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें तो आपको ये पता चल जाएगा ये हम इनको तीन भागों में क्यों बांट रहे हैं। और मैं रबड़ ये उठा दूंगा अभी, तो शॉर्ट शॉर्ट हैंड सीखने वाले बच्चे तो वैसे इंटेलिजेंट होते हैं तो वे एक सेकंड में समझ जाएंगे सारी वीडियो को, ठीक है। और जिनको आता है अच्छी बात है, पर आप अपने बाजू वालों से तो पूछ के देखो कि उसका कन्फ्यूजन है क्या नहीं तीसरे स्थान का, ज़रूर होगा किसी ना किसी बच्चे का। अगर किसी एक बच्चे का भी कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ तो ये मेरी वीडियो सक्सेस होती है, ठीक है ना दोस्तों। आइए फोकस करते हैं फिर वीडियो पर। जैसे कि फिर है कील, इसके भी तीसरे स्थान पर। अब ये आ गई इम ली, अब इसको हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये तो सेम हो जाएगा फिर कन्फ्यूजन, इसका स्थान तो यहीं रहेगा ली का, है ना। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। अब आप कहोगे कि अगर ले पर ले के और मैं के तीसरे स्थान और पहले स्थान में जैसे ये कन्फ्यूजन हो रहा था वो होगा, नहीं दोस्तों यहाँ आप गलत हो, क्योंकि ये शब्द पहले मैं से पहले ई पढ़ा जाएगा और इससे पहले हम यहाँ कोई स्वर नहीं लगा सकते, यहाँ लगाएंगे तो ये इससे पहले, तो इससे पहले वाला सवर हो जाएगा मैं का जो आएगा फिर यहाँ पर, समझ रहे हो ना। जैसे कि मैं आ,
ली माली, है ना। तो फिर ये यहाँ क्यों आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ इसका बन जाएगा। और इसमें ई और जोड़ दो तो ये इसकी ई और ये इसका आ, है ना, और ये ई यहाँ पर ली, ये हो जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। और जो ऋषि प्रणाली कर रहे हैं उसको तो पता ही है कि हम आ के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अब इमली और मिली, तो ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है ना। अब आता है ये यहाँ पर इसके तीसरे स्थान पर लेके। अब चलते हैं हम अपने टिक पर, मैंने बीच बीच में इसको टिका पढ़ दिया तो हम टिका ही लिखते हैं। टी, पहले टिक लिख के ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इसका यहाँ पर, है ना। तो अब इसमें आ और प्लस कर दिया तो हो गया टिक्का, तो ये हो गया यहाँ। तो फिर भी कहेंगे कोई कुछ बच्चे, तो सर हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इसका तीसरा स्थान और यहाँ इसका पहला स्थान। तो अब कन्फ्यूजन क्या रहा कि ये इससे तो पहले आ गया तो यहाँ हमने यहाँ लगा दिया, पढ़ आ गया, और ये इसका यहाँ आ गया तो हमने यहाँ पढ़ लिया। तो फिर सर कन्फ्यूजन क्या है, तीसरे स्थान का परिवर्तन क्यों किया स्थान, है ना। बहुतों के मन में क्वेश्चन आएगा। तो अब आ गया ब्रह्मास्त्र उठाने का टाइम। तो अब देखो दोस्तों, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, किसी को समझ ना आए, कभी समझ ना आए इसलिए साफ करता हूँ, पुश कर रहा हूँ वीडियो। अब देखो, जैसे कि ये लिखा मैंने मलिक का टिक का, है ना। तो जैसे कि मैं ले और कह, कन्फ्यूजन यहाँ जब होता है ये, जब इसके साथ अन्य और आ जाए व्यंजन, जैसे कि ये इसका मैं इसका तीसरा स्थान, है ना। तो हम यहाँ लगा देंगे, सॉरी दोस्तों, इसका तीसरा स्थान हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि इसके बाद है, हैं। तो अब ये हम का के साथ आ रहा, जो कह के साथ आ रहा, तो ये कहाँ लगाएंगे हम, ये कन्फ्यूजन इसके साथ एक शब्द और जोड़ने के बाद आ रहा है, कह टिक्का, है ना। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको तो हम बनाते हैं आ का, और यहाँ लगाते हैं लय की ई की मात्रा तीसरे स्थान पर, मलिक का। ये कन्फ्यूजन है, हम ये तो है नहीं कि हम दो ही शब्दों में काम चला लेंगे, शब्द तो कितने ही लंबे आ सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसका तीसरे स्थान, तीसरे स्वर का स्थान परिवर्तन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है दोस्तों। वैसे कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए, ये एक उदाहरण है, ना कि कोई किसी का पर्सनल, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। फिर से कह रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछे, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।